नमस्कार, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाएंगे मैंगो जैम, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बन जाता है और इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जैम बनाना। मैंगो जैम बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पके आम ले लेने हैं और ऐसे ही क्यूब्स में काट लेना है। तो क्यूब्स में काटना बहुत आसान है, ये ऐसे आप इसमें कट्स लगा दीजिए नीचे तक, ध्यान से कि नीचे से हाथ ना कट जाए। और ये आप स्पून लेके ऐसे निकाल दीजिए, तो है ना आसान। तो छोटे छोटे पीसेस ऐसे कट करके आपको ऐसे निकाल देना। तो मीडियम साइज के आमों को मैंने ऐसे कट करके ले लिया है। ध्यान रहे कि आम जो हम लेंगे उसमें ज्यादा रेशे नहीं होने चाहिए। अगर रेशे हैं तो आप इनको पीस कर छान भी सकते हैं, जैसे मैंने कट किए, तो आप ऐसे भी पीस के मैंगो जैम बना सकते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे कट करके पीसेस से बना रही हूँ, तो इसको हम एक जिस भी पैन में हमें बनाना है उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। अब मैं एक कप चीनी लूंगी, एक फुल कप चीनी है, तो मैं ये इसमें ऐड कर देती हूँ और हम इसे ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। से मिल गया है, अब हम इसको गैस पे रखेंगे। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, अब हम इसको ऐसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि सारी चीनी घुल ना जाए। चीनी अच्छे से घुल गई है, फ्लेम हम मीडियम पे रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ये मैंने इलायची पाउडर लिया है, ये 1/4 टीस्पून है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें कुछ अदरक का जो है घिसा हुआ टुकड़े मिला देंगे, आप चाहे तो उसको पीस भी सकते हैं। तो मैंने वो 1 टीस्पून अदरक ली है, ये भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे, तो ये 1 नींबू का रस इसमें मैं मिलाऊंगी। अभी ये आधा मैं इसमें स्क्वीज कर रही हूँ और ये आधा और। तो 1 नींबू का जो रस है वो मैंने इसमें मिला दिया है। अब हम इसे फिर से चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो हमारा जैम है वो गाढ़ा ना हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये पकाने में कम अभी 15 से 20 मिनट लगेगा, तो इसको हम पका लेते हैं। ये जैम पकते हुए 15 मिनट हो चुका है, तो अब भी देख सकते हो कि आप ये कितना गाढ़ा हो गया है। अभी ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से अभी बना है कि नहीं। तो एक छोटी प्लेट या कोई भी प्लेट आप लीजिए और एक साइड में उसको जैम ऐसे डालिए, फिर उसको हल्का सा तिरछा कीजिए, फिर देखिए कि किस तरह से ये मूव कर रहा है। अभी ये बहुत ही ईजिली आ रहा है, तो थोड़ा सा ये हम इसको 2-3 मिनट और पका लेते हैं, उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। और ठंडा होने के बाद ये और अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ऐसा भी नहीं कि इसको एकदम इतना ठीक कर देना है कि बाद में वो जम जाए। अब ये ऐसा लग रहा है कि बन गया है, क्योंकि अभी साइड से बर्तन भी छोड़ने जैसा लगा है। तो ये हम थोड़ा सा फिर इसमें डालेंगे और चेक करेंगे। अब ये आ तो रहा है, पर ये देख सकते हो आप कि थोड़ा सा टाइम लेके आ रहा है, इसका मतलब अभी ये पक गया है जैम। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, ओवर कुक भी नहीं करना। अगर ओवर कुक हो गया तो ये इतना थिक हो जाएगा, फिर वो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसको जार में नहीं भरेंगे। अभी इसको हम देखते हैं ठंडा होने, उसके बाद हम इसको जार में भरेंगे। अभी ये जैम ठंडा हो चुका है, अब देख सकते हो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो गया है, ये आप देखिए ये ऐसे। तो अब हम इसको एक जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। अभी ये देखिए 2 आम और 1 कप चीनी में ये एक छोटा जार बनकर तैयार है। ये फुल नहीं हुआ अभी तक, तो आप इसी तरह अगर ज़्यादा बनाना हो तो ज़्यादा आप मात्रा ले लीजिए,
लेकिन जो भी हम मात्रा लेंगे वो ऐसे ही लेंगे, जैसे कि अब दो आम लिया है मीडियम साइज का, तो 1 कप चीनी, अगर हम 4 आम ले रहे हैं तो फिर हम 2 कप चीनी कर देंगे। और ऐसे ही आप कच्चे आम का बना सकते हैं, लेकिन उसमें कच्चे आम को पहले उबालना होता है, उसको छानना होता है, फिर हम ऐसे ही पकाते हैं, बस चीनी भी उसमें ज़्यादा लगती है। तो ये आप इसको ढककर 4-6 महीने तक आराम से खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।